हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल डिज़ाइन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्क वगैरह चल रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस है उसकी, कहाँ पे क्या क्या वर्क चल रहा है। अभी बहुत सारा इक्विपमेंट मशीनरी यहाँ पे आया हुआ है, तो कई इस जगह पे सबग्रेड चल रहा है जो इस पूरे सेक्शन में, उधर की तरफ सबग्रेड और शोल्डर डल गया है। तो GSB भी ऊपर डला हुआ है और इधर GSB चल रहा है। ये सबग्रेड टॉप बन रहा है। पीछे में स्ट्रक्चर का वर्क चल रहा है, कंक्रीटिंग हो रही है, और उधर आगे में यहाँ पे एम्बेगमेंट चौक चल रहा है। यहाँ पे साइड शोल्डर डला हुआ है, इसमें जो भी बोल्डर है वो JCB रिमूव कर रही है। इधर पैक्स डले हुए हैं सरिये, यहाँ पे सर्वेयर मार्किंग दे रहा है। ये सबग्रेड टॉप का बेड है, इसमें कटिंग फिलिंग जो मैं पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर रहा था, किस प्रकार से जो है लेवल टेक्स पे दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसकी कटिंग कितना सेंटी कटिंग है, कितना सेंटी फिलिंग है, वो अभी जैसे ये सेक्शनिंग कर रहा है। तो ये जो पट्टी है ये पूरा चेक हो चुका है, यहाँ पे जो लेवल है वो टॉप लेवल अचीव हो चुका है, और इधर का चेक करना बाकी है। ये भी मैंने सारा किया, दो सेंटी आप करने के लिए। अभी यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ मटेरियल हटा लीजिए, प्रेसीजन के लिए मटेरियल को हटाना पड़ेगा ताकि धागा टच ना हो। यहाँ से जो ये यहाँ पे सारा किया, एक सेंटी डाउन करना है इधर को, और यहाँ पे 3 सेंटी डाउन करना है। तो अभी जैसे ग्रेडर की ब्लेड से ये वाला जो है हिस्सा डाउन कर दिया जाएगा 3 सेंटी। जैसे वहाँ कटिंग थी 3 सेंटी 2 सेंटी, जो कटिंग वाला मटेरियल है ये पट्टी में यहाँ से कट के मटेरियल साइड में कर दिया है इन्होंने। अब जैसे जैसे यहाँ इस सेक्शन में कटिंग रहेगी तो जो मटेरियल है वो साइड में होता रहेगा, यहाँ टो की साइड में फिर नीचे गिरा दिया जाएगा। अब ये ग्रेडर चल रहा है, यहाँ पे जो ऑलरेडी पट्टी बन चुकी थी उसमें फिनिशिंग डाल रहा है, मटेरियल डाल के उसको 0 ब्लेड मार के बाहर कर देगा। यहाँ पे रोलर स्टार्ट हो गया है, पीछे डोजर भी लगा हुआ है, ग्रेडर ब्रेक आ रहा है, पीछे जाना पड़ेगा। इसका बहुत स्पीड रहता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा फुल स्पीड से। उधर कॉन्क्रीटिंग का जो वर्क चल रहा है उसका भी थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे वर्क का प्रोग्रेस है वो कुछ ज्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वगैरह थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी थी, और जो सारे गेप है वो कवर हो चुके। ये पूरा सेक्शन जो है लगभग 1.5 किलोमीटर का है, यहाँ से इसका जो चैनेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का जो सेक्शन है बोथ साइड, वहाँ कंप्लीट वर्क हो चुका है, केवल DBM बचा हुआ है। WMM के लिए कल पेपर आएगी, कल उसका वर्क स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए 1 सेंटी मिलर्स चल रहे हैं, कंक्रीट से लोड है पूरा। यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर है माइनर ब्रिज है, अभी पहले थोड़ा पानी यहाँ से नाला जो पार हो रहा है तो पानी भरा हुआ था, उसमें पानी का सक्शन किया पाइपिंग से, पानी को बाहर किया, अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट डल गया है। उधर का जो है स्टेज काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, नीचे में ये देखिए यहाँ पे एक सेक्शन बन चुका है इसका मशीन से, यहाँ कंक्रीटिंग। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होते ही फिर ये जो गैप है वो मेंटेन हो जाएगा, और बेड काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 3 किलोमीटर
यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेक्शन मिल जाएगा। गेप की वजह से क्या है कि उसको थोड़ा बाद के लिए छोड़ दिया जाता है, जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा उसका बैक फिलिंग करके। यहाँ से जैसे ये वॉल बन जाएगी, फिर ये जो सेक्शन है इतना बचा हुआ है, ये जो इसके लेवल में लाना पड़ेगा इसको बाद में, जो नीचे का लेवल है, तो वहाँ पर बैक फिलिंग किया जाएगा यहाँ से। फिर ग्रेडिंग रोलिंग करके इसका भी जो है सबग्रेड टॉप बना के फिर उसमें PVM वगैरह है WMM डाला जाएगा। ये जो बेड है सबग्रेड टॉप का है, और उधर जो है GSB डली हुई है, और यहाँ पे साइड शोल्डर भी डाल दिया गया है ताकि जो इधर गेप बचेगा, क्योंकि कंप्लीट जो कैरिज वे मेन कैरिज वे वो 15 मीटर विड्थ का रखना है, तो फिर कैरिज वे से जो इधर एक्स्ट्रा विड्थ बची हुई है इसमें साइड शोल्डर डलना है, उधर भी साइड शोल्डर डला हुआ है, और ये GSB डली हुई है यहाँ पे। वहाँ पे वो ग्रेडर चल रहा है जो GSB एक्स्ट्रा मटेरियल GSB की साइड आ गया है, अनपेव्ड शोल्डर अर्दन शोल्डर का जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ रहा है उसको बाहर तरफ कर रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे, इसी लोकेशन पे एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा जिसमें पेट्रोल पंप और काफ़ी वगैरह काफ़ी जो है सुविधाएं रहेगी, तो वो भी बन रहा है, उसका भी इनिशियल लेवल में काम चल रहा है, उसमें अभी क्लियरिंग एंड ग्रबिंग हो रहा है, तो वो भी आपको अभी दिखा देता हूँ कहाँ पे है उसका लोकेशन। उसकी टोटल जो विड्थ रहेगी वो 150 मीटर रहेगी सेंटर लाइन से बोथ साइड, यानी टोटल जो उसका फाइनल जो विड्थ रहेगा वो 300 मीटर रहेगा 200 मीटर लेंथ के लिए। हालांकि जो ये सेक्शन है इसका स्ट्रेटा है, वहाँ पे मटेरियल बहुत वॉश कंडीशन में मिल रहा है, अच्छा मटेरियल नहीं है, हालांकि मुरम है पर इतना फाइन मटेरियल नहीं है, तो जैसे भी वगैरह लिखा लगा के बोल्डर वगैरह साइड में करके अच्छे से फिनिशिंग देने की कोशिश की जाती है, और जो क्वालिटी वर्क है उसको अचीव किया जाता है। ये ऑलरेडी GSB डला हुआ है, और उधर जो आगे है इधर स्प्रेडिंग हो रही है GSB की अभी लोड। ये बेड अभी चेकिंग बाकी है, इसका चेकिंग होने के बाद ही ये जो बेड है सबग्रेड का, फिर इधर GSB डलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मीडियन है, इसका काफ़ी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, ये डिप्रेस्ड मीडियन है, एक्सप्रेसवे का डिप्रेस्ड मीडियन का। सो अब हम देखेंगे जो कम्युनिटी सेंटर बन रहा है उसकी क्लियरिंग एंड ग्रबिंग चल रही है, CNG वर्क चल रहा है, वहाँ पे मशीन लगी हुई है, जो पेड़ पौधे हैं प्रॉपर परमिशन से काटे जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे CNG वर्क चल रहा है इसका, ये जो टोटल कंप्लीट सेक्शन है लगभग 1.5 किलोमीटर का है यहाँ तक, फिर उसके बाद में गेप स्टार्ट हो जाते हैं, गेप के कारण जो है उसका पूरा प्रॉपर बन नहीं पाता है, उसको बाद में ही तैयार किया जाता है स्ट्रक्चर बनने के बाद में। सो इस वीडियो में इतना ही, और आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a good day.